डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे लगातार अपने इस्तीफे को लेकर संघर्ष कर रही हैं और बैतूल से यात्रा भोपाल पहुंची और भोपाल के बाद जेल पहुंची और जेल के बाद अब जमानत पर बाहर आई हैं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैम किस तरह का संघर्ष रहा पूरी यात्रा बैतूल से भोपाल तक की देखिए बैतूल से भोपाल हमारी 12 दिवस की यात्रा थी हमने साढ़े तीन महीने हो गए हैं आ, अपना इस्तीफा दिए हुए अभी तक स्वीकार नहीं किया मजबूरी में हमें सड़क पर आना पड़ा सिर्फ अपना न्याय मांगने के लिए तो शिवराज जी ये नियम बना दे कि, कि, किसी दलित महिला को न्याय चाहिए तो वो 200 किलोमीटर पैदल चल के आएगी तभी उसे न्याय मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा मिलेगा क्या की सड़क पर चौराहे पर उसके कपड़े फाड़े जाएंगे उसके साथ बदसलूकी की जाएगी उसे गिरफ्तार करके जो है जेल में डाला जाएगा तो इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है उन्हीं के इशारे पे हमारी यात्रा वहां से निकली न्याय के लिए मैं तो कहती हूँ अन्याय कर रहे हैं जब बीजेपी से किसी को लड्डा होता है तो एक दिन में वो इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं और हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है तो ये संविधान की हत्या हो रही है ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है हम उसके लिए खड़े रहेंगे और लड़ेंगे ऐसा व्यवहार तो किसी पुरुष के साथ भी नहीं किया जाता लेकिन शिवराज सरकार दावा कर रही है महिलाओं का सम्मान लाडली बहना मामा बनते हैं शिवराज जी हम आपको वीडियो बताएंगे कि पुरुष पुलिस भी किस तरीके से बर्बरतापूर्ण मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं महिला पुलिस द्वारा बाबा साहब की फोटो तोड़ी जा रही है कि इतना बदसलूकी और ऐसा व्यवहार जैसे किसी अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता हो वैसा व्यवहार जो है मेरे साथ किया गया कसूर मेरा सिर्फ इतना था कि मैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ तो ये जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है संविधान का हम चुप नहीं बैठेंगे स्थिति को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है साढ़े तीन महीने हो गए अब आचार संहिता लग गई है हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा जीएडी क्या कह रहा है आखिरकार क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं कर शिवराज जी के इशारे पे नहीं कर रहा है उन्हें हारने का डर है कार्य किया नहीं है पांच साल में आमला विधानसभा में आमला विधानसभा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है जो कार्य एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो है एक्सपेक्ट किया गया था वो कार्य उन्होंने किया नहीं इसीलिए डर के कारण ये सब कर रहे हैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता की लालच में ये सारे कार्य कर रहे हैं मैम हर किसी की चाह होती है की वो कलेक्टर बने और आप उस पद पर है लेकिन अब विधानसभा चुनाव का मन में ख्याल कैसे आया देखिए सर्वधर्म प्रार्थना मेरे घर में थी इन्होंने रोकने का काम किया तो आप खुद बताइए कि अपने घर के उद्घाटन में अगर मैं अपनी सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकती वो भी इस्तीफा देने के बाद भी इस तरीके के व्यवहार किया जा रहा है तो मैं इस पद पर रह के क्या करूंगी मुझे कोई अधिकार नहीं अगर मैं अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती मैं किसी और के लिए क्या लड़ूंगी इसीलिए मुझे ये नौकरी नहीं करनी है पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए हमारा उद्देश्य संविधान को बचाना है इस लोकतंत्र को बचाना है बैतूल से भोपाल तक की यात्रा दिन की यात्रा रही सुनने में आ कि धमकी भी दी गई आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई बिल्कुल जैसे ही हम निकले और दूसरे दिन जब हमें जन समर्थन मिलने लगा लोग हमसे आके जुड़ने लगे तो पुलिस के माध्यम से अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से इन्होंने जो है जिसको स्पेशल ब्रांच का नाम बताया उन्होंने बाद में उन लोगों के माध्यम से हम लोगों को बोलने का प्रयास किया कि आप इस यात्रा को रोक दीजिए नहीं तो गोली चल जाएगी डम्पर से कुचल दिया जाएगा तो इस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन गुंडा गर्दी का काम कर रही है जिनको रक्षक होना चाहिए वही हमारे भक्षक बन रहे हैं और चीर हरण करने का काम अम्बेडकर चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने कर रहे हैं ये लोग हाल ही में चुनाव नजदीक है और एक आई अधिकारी का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया आखिरकार आपका इस्तीफा मंजूर करने में क्या परेशानी आ रही है मैंने वही बताया ना डर है इनको हार का डर है ये सत्ता के लालच में इतना डूब चुके हैं पद का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि इनको अपने जेबे भरनी है इनका कार्य किसी को न्याय दिलाना महिला अनुसूचित जाति इनको कुछ समझ में नहीं आता ये सिर्फ स्वार्थ है इनका की कुर्सी पर बैठना है और पैसे कमाना है बस मैम कमलनाथ जी से भी मुलाकात हुई थी आपकी हाल ही में किस तरह की बातचीत हुई थी क्योंकि चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि आप जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती हैं इस कारण जो है इस आपका इस्तीफा नामंजूर हो रहा है बिल्कुल कहना इनका सही है मैं बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती क्योंकि मेरी विचारधारा सर्वधर्म और सभी को लेकर के चलने वाली है हमारी विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है और इनकी विचारधारा है कट्टरपंथी फैला के हम किस तरीके से सत्ता पर बैठे तो विचारधारा के मेल ना खाने से जब मेरा त्याग पत्र मंजूर होगा तो हम उस पर विचार करेंगे की कि हमें किस पार्टी से चुनाव लड़ना है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और आचार संहिता लग गई है चुनाव नजदीक है सत्रह तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में अब क्या रणनीति अभी हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मेरा ये जो संघर्ष है ये मेरे त्याग पत्र और मेरे चुनाव लड़ने तक नहीं है अगर मुझे सुख भोगना होता तो मैं कलेक्टर की नौकरी में सही थी मुझे अपने अधिकारों के लिए हमारे जो लोग हैं जो वंचित वर्ग है कमजोर वर्ग है उनके अधिकारों के लिए ये मेरी लड़ाई है उसको मैं जीवन भर लड़ती रहूंगी कोर्ट तो पहले जीएडी को निर्देश दे चुका है लेकिन कहाँ पहचा रहा है किस तरह का तर्क दिया जा रहा है कोर्ट को भी गुमराह कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार जो है आप देखिए न्यायपालिका को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है अपने पद का दुरुपयोग करके कोर्ट को गुमराह कर है कोर्ट का, का के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो इस तरह के कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं क्या तर्क दिया जा रहा है कि आपका इस्तीफा ना मंजूर की जाए क्योंकि जो अन्य अधिकारी हैं विधानसभा चुनाव में वो इस्तीफा दे रहे हैं उनका मंजूर कर लिया गया आखिर आपका मंजूर नहीं किया तर्क नहीं क्या है की जाँच चल रही है जाँच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस्तीफा नहीं मंजूर कर सकते कोर्ट ने कहा दस दिन में जाँच जो है खत्म करिए तो उन्होंने स्टे लगवा दिया चीफ जस्टिस के सामने जाके तो इस तरीके से ये कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं मैम आचार संहिता लगी है कोर्ट में मामला चल रहा है अब क्या रणनीति अब आगे देखा जाएगा कल हमारी पेशी है कल हियरिंग है हाई कोर्ट में उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये थी निशा मांगरे लगातार इनकी 12 दिन की यात्रा बैतूल से भोपाल पहुंची 12 दिन की यात्रा में धमकियां भी दी गई उसके बाद कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा लेकिन अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ इंडिया न्यूज भोपाल और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही लेकिन खबरों